बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डेटा मॉडलिंग के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी और रिलेशनशिप मोडेलिटी को EID डायग्राम में किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसकी डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कार्डिनैलिटी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द पॉसिबल नंबर ऑफ अकरेंस इन वन एंटिटी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ अकरेंसेस इन एन अदर एंटिटी। यानी दोस्तों, कार्डिनैलिटी दरअसल एक नंबर है जो कि बताता है कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है, और ये नंबर ही दरअसल कहलाता है कार्डिनैलिटी। जैसे ये एक स्टूडेंट की एंटिटी है जिसमें S1, S2, S3 और S4 इसके इंस्टेंसेस हैं, और ये दूसरी एंटिटी है कोर्स की जिसमें C1, C2, C3 एंड C4 कोर्स के इंस्टेंसेस हैं, और इन दोनों के दरमियान रिलेशन है एनरोल का। तो स्टूडेंट एंटिटी का एक इंस्टेंस कोर्स की एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है, ये चीज कहलाती है कार्डिनैलिटी। मिसाल के तौर पर S1 स्टूडेंट सिर्फ एक कोर्स में ही एनरोल है, तो इसकी कार्डिनैलिटी का नंबर होगा 1। इसी तरह S2 स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल है, तो इसकी कार्डिनैलिटी का नंबर होगा मैनी। और दोस्तों, S3 जो है, ये इंस्टेंस जो है, ये किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं है, तो ऐसी सूरत में कार्डिनैलिटी नंबर होगा 0। यानी दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि किसी भी दो एंटिटीज के दरमियान कार्डिनैलिटी को सिर्फ 3 नंबर्स के जरिए डिफाइन किया जा सकता है, 0, 1 और मैनी। 0 मींस जब एक एंटिटी का कोई भी इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के किसी भी इंस्टेंस से एसोसिएट ना हो, और 1 मींस जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के किसी एक ही इंस्टेंस से एसोसिएट हो, और मैनी मींस जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक या एक से ज्यादा इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो, तो ऐसी सूरत में कार्डिनैलिटी होगी मैनी। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो ERD में इस 0, 1 और मैनी को कुछ शेप्स और लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 कार्डिनैलिटी को स्मॉल स्फीयर से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 कार्डिनैलिटी को सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैनी को क्रॉस फीट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन तमाम कार्डिनैलिटीज को दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशन लाइन होगी उस पर शो किया जाता है। तो दोस्तों, कार्डिनैलिटी की अगर बात की जाए तो कार्डिनैलिटी भी दो तरह की होती है, मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कम से कम कितने इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकता है, और इसकी वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है। अगर तो एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के किसी भी इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं कर रहा, तो मिनिमम कार्डिनैलिटी की वैल्यू यहाँ होगी 0। लेकिन अगर एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के कम से कम एक इंस्टेंस से तो एसोसिएट होगा ही, तो अब मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी 1। और इसी तरह मैक्सिमम कार्डिनैलिटी की अगर बात की जाए, तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के ज्यादा से ज्यादा कितने इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्या होंगे, इसको हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1 या फिर मैनी, क्योंकि एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के ज्यादा से ज्यादा या तो एक इंस्टेंस से ही एसोसिएट करेगा या फिर एक से ज्यादा यानी मैनी इंस्टेंसेस से एसोसिएट करेगा। तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम कार्डिनैलिटी या तो यहाँ 1 होगी या फिर मैनी। अब आइए इसकी मजीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि हमें ये मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी और ज्यादा समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये है स्टूडेंट और ये है कोर्स की एंटिटी। अब अगर हम स्टूडेंट से कोर्स की तरफ जाएं, तो इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी 1, क्योंकि एक स्टूडेंट कम से कम
एक कोर्स में तो एनरोल हो गई। दोस्तों आप जानते हैं कि मिनिमम कार्डिनलिटी में हम कम से कम की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक स्टूडेंट क्योंकि कम से कम एक कोर्स में तो एनरोल हो गई, इसीलिए इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी होगी 1, और 1 को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कार्डिनलिटी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद मैक्सिमम कार्डिनलिटी को देखते हैं, तो वो होगी दोस्तों यहाँ पर मैनी, क्योंकि एक स्टूडेंट कम से कम एक कोर्स में एनरोल होगा, लेकिन अदर से ज्यादा एक से ज्यादा कोर्सेज में भी एनरोल हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी मैनी, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही होता है ना कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में भी एनरोल होते हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं, साथ के साथ कंप्यूटर भी पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी मैनी, जिसको हम क्रॉस पीट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जिसको भी आप पहली एंटिटी कंसीडर करेंगे उसका हमेशा एक ही इंस्टेंस लेंगे, और उस पहली एंटिटी का जो भी कार्डिनलिटी रिलेशन होगा दूसरी एंटिटी से, वो आप दूसरी एंटिटी के सामने शो करेंगे इस तरह से, जैसे स्टूडेंट का कोर्स के साथ क्या कार्डिनलिटी रिलेशन है वो हमने कोर्स के सामने शो किया है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट को एंटिटी 1 कंसीडर किया और कोर्स को एंटिटी 2 कंसीडर किया है, इसीलिए स्टूडेंट से कोर्स की एसोसिएशन को हमने कोर्स यानी एंटिटी 2 के सामने शो करवाया है। अब दोस्तों आइए कोर्स का स्टूडेंट से कार्डिनलिटी रिलेशन क्या हो सकता है ये देखते हैं। यहाँ कोर्स क्योंकि एंटिटी 1 है, इसीलिए हम इसका अब एक ही इंस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों कोर्स की मिनिमम कार्डिनलिटी की बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कम से कम कोई एक कोर्स ऐसा हो जिसमें कोई भी स्टूडेंट एनरोल ना हुआ हो। जैसे मान लें कि कोई एक नया कोर्स आया है जिसमें अभी तक कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में मिनिमम कार्डिनलिटी होगी 0, जिसे हम स्मॉल स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैक्सिमम कार्डिनलिटी की बात करें तो ऐसी सूरत में एक कोर्स में ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा स्टूडेंट भी एनरोल हो सकते हैं। जैसे आपने भी कंप्यूटर लिया है और आपके दूसरे क्लास फेलोज ने भी कंप्यूटर लिया है, तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी मैनी, जिसको हम क्रॉस पीट के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों कार्डिनलिटी के बाद आइए जानते हैं कि रिलेशनशिप कार्डिनलिटी से क्या मुराद है। दोस्तों याद रखिए, दो एंटिटीज के दरमियान चार तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-1 रिलेशनशिप और many-to-many रिलेशनशिप। और यहाँ इन तमाम रिलेशंस को हम कार्डिनलिटी के जरिए शो करें तो ये कहलाता है रिलेशनशिप कार्डिनलिटी। तो दोस्तों 1-to-1 रिलेशनशिप से मुराद है कि जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एट मोस्ट 1 इंस्टेंस से ही एसोसिएट करे, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे एक इंसान का हमेशा एक ही NIC कार्ड होगा जो कि 18 ईयर ओल्ड होगा या उससे ज्यादा का होगा, तो उसका हमेशा एक ही NIC कार्ड होगा, और एक NIC कार्ड हमेशा एक ही पर्सन से एसोसिएट करता होगा। तो ऐसी सूरत में जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा 1-to-1 रिलेशन, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो कभी नहीं होता कि दो अलग अलग NICs एक ही पर्सन को मिल जाएं, तो इसीलिए हमेशा पर्सन और NIC कार्ड की एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। इसके बाद है 1-to-many रिलेशनशिप। दोस्तों 1-to-many रिलेशनशिप से मुराद है कि जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है 1-to-many रिलेशन। जैसे एक पर्सन और मोबाइल नंबर के दरमियान का जो रिलेशन है वो 1-to-many रिलेशन हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन के बहुत से फोन नंबर्स हो सकते हैं, बहुत से मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक मोबाइल नंबर एक पर्सन को ही असाइन हो, क्योंकि दोस्तों आप एक वक्त में बहुत सी सिम रख सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हर एक नंबर आपसे ही एसोसिएट होगा। यानी यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा वो 1-to-many का रिलेशन होगा। बिल्कुल ऐसे ही many-to-1 रिलेशन में एक एंटिटी के मैनी इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के सिर्फ एक इंस्टेंस से ही एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मेनी एम्प्लॉयज यूजेस ओनली 1 कार, यानी एक कंपनी है जिसके अंदर एक ही कार को बहुत सारे एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा वो मैनी टू वन का रिलेशनशिप होगा। इसके बाद है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। दोस्तों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के भी मल्टीपल इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे टीचर और क्लास के दरमियान का रिलेशन, यानी एक टीचर मल्टीपल क्लासेस को पढ़ा सकता है, वैसे ही एक क्लास को एक या एक से ज्यादा टीचर असाइन हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो रिलेशनशिप बनेगा इन दोनों एंटिटीज के दरमियान वो मैनी टू मैनी का रिलेशन कहलाएगा। तो दोस्तों रिलेशनशिप कार्डिनलिटी के बाद आता है रिलेशनशिप मोडेलिटी। और दोस्तों मोडेलिटी से मुराद है कि दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है उसका नेचर क्या होगा। दोस्तों ये कार्डिनलिटी से ही मिलता जुलता है, इसीलिए इसको मिनिमम कार्डिनलिटी भी कहा जाता है। जैसे मिनिमम कार्डिनलिटी में एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के या तो किसी भी इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं होता और इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर किसी एक इंस्टेंस से एसोसिएट होगा ही होगा जिसको हम वन से रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे ही मोडेलिटी में भी दो ही ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ऑप्शनल जिसमें हम जीरो या वन दोनों मौजूद हो, और मैंडेटरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन मौजूद हो। यानी ऑप्शनल से मुराद है कि या तो किसी इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं होगा या फिर किसी एक इंस्टेंस से तो एसोसिएट होगा ही, जबकि मैंडेटरी में हमेशा हमेशा एक ही इंस्टेंस से तो एसोसिएट होगा ही। ये है मोडेलिटी, इसीलिए दोस्तों इसको मिनिमम कार्डिनलिटी भी कहा जाता है। और दोस्तों इस डायग्राम में देखिए ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये मोडेलिटी की लाइन होती है जिसको मिनिमम कार्डिनलिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ एक पर्सन का मैंडेटरी एक एनआईसी कार्ड तो होगा ही, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी रिलेशन है, इसीलिए इसको हमने वन यानी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही एक एनआईसी कार्ड हमेशा एक ही पर्सन को असाइन होगा, तो यहाँ भी दोनों एंटिटीज के दरमियान मैंडेटरी रिलेशन वन होगा जिसे हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो आपको बिल्कुल इस एंटिटी के पास लाइन नजर आ रही है ये मैक्सिमम कार्डिनलिटी की लाइन होती है, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये मिनिमम कार्डिनलिटी भी हो सकती है और इसको हम मोडेलिटी भी कहते हैं। अब दोस्तों आइए पर्सन और फोन नंबर के दरमियान का मोडेलिटी रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ ये जो मिनिमम कार्डिनलिटी है ये कहलाएगी मोडेलिटी, क्योंकि दोस्तों एक पर्सन के पास फोन होना ऑप्शनल है, तो यहाँ हम इसको जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वन से भी। अगर एक पर्सन के पास मोबाइल फोन नहीं है तो मोबाइल नंबर भी नहीं होगा, तो ऐसे में ऑप्शनल मोडेलिटी जीरो होगी जिसको हम स्मॉल स्पेस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर पर्सन के पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल नंबर भी होगा, तो ऐसी सूरत में ऑप्शनल मोडेलिटी होगी यहाँ पर वन जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की आरडी डायग्राम में मोडेलिटी को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर हमारे लेक्चर का भी इख्तिताम हुआ दोस्तों, जिसमें हमने ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को डिफाइन किया कि एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप डायग्राम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में हम डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।